एक मिनट रुकेगा। ये एंगल मान लो थीटा दे रखा है एंड मान लो आपको मास एंड लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ये भी दे रखा है इज एम कॉमा 12, लेंथ 12 मान रहे हैं, ठीक है। एंड मान लो एक और डेटा आपको दिया हुआ है, रॉड हैज एन एंगुलर velocity omega out of the plane, dot मतलब out of the plane, ठीक है, at the instant shown, find angular momentum, ये O point mark कर रहे हैं, with respect to O, O के respect में angular momentum कितनी आएगी ये आपको निकालनी है, ठीक है। आपको एंगुलर मोमेंट ये ऑब्जेक्ट पहले ये बताओ ट्रांसलेशन में या रोटेशन में या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का केस है, ठीक है। तो इस केस में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में आपको याद है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं एल की वैल्यू जब हम लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, एक होता है आर क्रॉस पी सी वन, याद है आपको, एन प्लस आई सी वन इंटू ओमेगा, याद है आपको, है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम को पहले मार्क करना पड़ेगा क्या है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना एक एक कन्वेंशनल तरीके से तो काफी मेहनत का काम है, बट आपको ये चीज मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया था, आईसीआर के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्टली एक लाइन में निकाल सकते हैं, याद है आपको। पहले इसका आईसीआर अगर लोकेट करें तो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो पॉइंट लोअर पॉइंट है वो तो आगे की तरफ मूव कर रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो अपर पॉइंट है वो डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा होगा वॉल के ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस केस में, ये एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इनके इंटरसेक्शन से देखो मुझे आईसीआर मिल चुका है, दिस इज आईसीआर। तो आपको पता है कि आईसीआर के रिस्पेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ने ऑलरेडी आउट ऑफ द प्लेन कह रखा उन्होंने, तो श्योर होकर कह सकते हैं कि अब ये आपका ओमेगा इस तरफ होगा, सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहे हैं ना? हाँ सर। अब सेंटर ऑफ मास को अगर इसमें लोकेट करें तो सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि बीचों बीच होगा, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया, सेंटर ऑफ मास को पहले लोकेट करें तो सेंटर ऑफ मास को आपको पता है बीचों बीच ही होगा, ये आपका सी वन है और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो, अच्छा ये डॉटेड लाइन जो मैंने आईसीआर से सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट किया है ये डिस्टेंस क्या हाफ ऑफ लेंथ ऑफ रॉड ही होगा? होगा नहीं होगा, सिमेट्री देखिए आप कह सकते हैं, तो सिंस हाफ ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एल है क्योंकि टोटल लेंथ तो 12 दे रखा उन्होंने, तो इसकी जब आप वेलोसिटी मार्क करोगे डीसीएम को मार्क करोगे तो परपेंडिकुलर टू ये आईसीआर के साथ जो पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ किया उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ सीएम आएगा, दिस विल बी वीसीएम, एंड ये वीसीएम अगर आप चेक करोगे तो ये होगा ओमेगा इनटू एल हो जाएगा, राइट, ठीक है ना? हां ठीक है। अच्छा सपोज ये आईसीआर से जो मैंने डायगोनल एक्सटेंड किया है, आईसीआर से जो मतलब जो पॉइंट सीएम को कनेक्ट किया है उस लाइन को अगर एक्सटेंड कर रहे तो क्या यहां पे मीट कर जाएगा क्या ओ पे? हाँ सर करेगा, मीट करेगा ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर बन रहा है ना, सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का डायगोनल तो एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है ना, समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ओ के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है, ओ के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो पोजीशन वेक्टर का भी जो लेंथ होगा वो आपका एल ही होगा, बट वीसीएम के आप कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये एंगल वापस से देखो आप, ये एंगल थीटा दिया हुआ है,
तो ऑब्वियसली इधर से 90 माइनस थीटा, मतलब इधर से भी 90 माइनस थीटा। देखो एक बार एंगल से मार्क कर रहा हूँ, देखो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछना, ठीक है? सो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो VCM का कंपोनेंट ब्रेक किया तो ओमेगा एल इंटू कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, एंड इधर का कंपोनेंट लिया तो ये हो जाएगा ओमेगा एल कॉस थीटा। देखो सब समझ आया, डायग्राम समझ आई है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल कॉस थीटा, एंड ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल साइन थीटा। एक चीज चेक करो, ओमेगा एल कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें, उसके लिए अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें तो एल कॉस थीटा के साथ वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर। आर क्रॉस पी में याद है वी और आर को परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, तो इसको अगर लिखते तो क्या लिखते, एम इंटू ओमेगा एल कॉस थीटा एंड इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज एल कॉस थीटा, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ट्स है ना, देखो तो एक बार, है नहीं इनवर्ट्स? इनवर्ट्स है, ठीक है। वो ओमेगा एल कॉस थीटा को आप देखो नीचे की तरफ अगर जाएगा तो पोजीशन वेक्टर छोटा हो जाएगा और वो क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, तो क्लॉकवाइज टर्न करने का मतलब क्या हुआ, इनवर्ट्स आएगा। अब ओमेगा एल साइन थीटा के लिए सोचो, सो प्लस एम इंटू ओमेगा एल साइन थीटा, ये हो गया वी, एंड इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज अगेन एल साइन थीटा, दिख रहा है आपको, है ना? इसका भी डायरेक्शन अगर देखोगे तो इनवर्ट्स ही है, दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, ये भी इनवर्ट्स हो गया, तो ये आर क्रॉस पी वाला काम तो खत्म हो गया है। अब दूसरा क्या बच रहा है, आईसीएम इनटू ओमेगा, तो आईसीएम इनटू ओमेगा जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम इनटू एल स्क्वायर बाय 12, एल कितना दिया हुआ है 12, तो एल स्क्वायर बाय 12 एंड इनटू ओमेगा, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, तो इसको डॉट कर देंगे, समझ आया? हाँ सर। ठीक है ना, अब यहाँ से तो अब आराम से निकल जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा इनटू l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड m ओमेगा l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो m ओमेगा l स्क्वायर ही बच रहा है इनवर्ड्स, एंड प्लस m l स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा, दिस इज आउटवर्ड्स, ऑब्वियसली इनवर्ड्स वाला बड़ा है तो ये हो जाएगा 2 - 1/3, मतलब सॉरी 1 - 1/3 मतलब 2/3, सो 2/3 ऑफ m ओमेगा l स्क्वायर एंड दिस विल बी इनवर्ड्स। देखो आपको कोई कंफ्यूजन है कहीं पे तो समझे, पूछो। देखो क्लियर है या नहीं, पी वाला पार्ट एक बार और बताएंगे, ये दोनों पार्ट जो है कौन पूछ रहा है, एक बार नाम बताएंगे? सर मैं सौरदीप पूछ रहा हूँ। सौरदीप पूछ रहे हो, आपको याद है एक पार्टिकल अगर ट्रांसलेशन में होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, याद है आपको? हाँ सर, बताइए कैसे निकालते हैं, बस एक बार मुझे याद दिलाइए सर, याद दिलाइए सर। एंगुलर लीनियर मोमेंटम के साथ 90 डिग्री में जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हमको निकालना पड़ता है। दैट्स इट, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, तो वही तो मैंने किया है। वेलोसिटी के देखो दो कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, एक ओमेगा एल कॉस थीटा, एक ओमेगा एल साइन थीटा, और इसके साथ जो पोजीशन का पोजीशन वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई किया। देखो एक बार चेक करो। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। ओके हाँ। ओके, तो जो तुम जो बोल रहे हो वही तो अप्लाई किया मैंने। हाँ ठीक है ना। हाँ सर, और वैसे भी इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखो डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि आपके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो सकता है क्योंकि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होते, बट इस केस में देखो तो